नमस्कार, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन स्टॉप एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग दो। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने इस सीरीज में पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी के बेसिक चीजों के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्था जो है वो रन कैसे होती है। उसके बाद में हम लोग देखे कि रन होने के पश्चात ये कौन कौन से क्षेत्र कैसे होते हैं जहां पर काम करने के पश्चात में पैसे की प्राप्ति होती है, अर्थव्यवस्था में खुलापन क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद में हम लोग ये सारा चीज समझने के बाद में, कुछ बेसिक चीजों के पूरे समझने के बाद में, हमने ये समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कहां पर टिकी हुई है, उसकी विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है। आज की क्लास में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मापन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, यदि अर्थव्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है तो कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, वैसे अर्थव्यवस्था का मापन करना भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, चाहे हम न्यूज चैनल की बात करें, चाहे हम कहीं पर भी गली नुक्कड़ की बात करें, सबसे पहले जो बात होती है वो होती है उस देश के अर्थव्यवस्था के बारे में। किसी देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाला देश कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली नहीं है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कहने का मतलब भारत सरकार जो है वो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है जो अपने अपने नागरिकों पर सबसे ज्यादा खर्चा जो कर सकने के काबिल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं का मापन कैसे किया जाता है, और उसके बेस में हम लोग ये भी देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्यों हम लोग पांच नंबर में कहते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां और अर्थव्यवस्था में कुछ वर्तमान आंकड़ों के ऊपर में। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यहां पर प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बोला दोस्तों, किसी भी देश के शक्तिशाली होने ना होने का जो अनुमान है उस देश की अर्थव्यवस्था अर्थात उस देश की जीडीपी पर या जीडीपी के अनुसार लगाई जाती है। जैसे वर्तमान में अगर बात करूं तो लगभग भारत की जो जीडीपी है वो $3 trillion से ऊपर निकल चुकी है। तो किसी भी एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वो कहलाता है जीडीपी। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय के मापन है तो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था में कभी भी किसी चीज को मापना है या बेसिकली कभी भी किसी भी चीज को मापना है तो कोई ना कोई एक उपकरण, कोई ना कोई एक टूल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि साइंस में हम लोग जब स्कूल में थे पढ़े होंगे SI यूनिट, जैसे लंबाई को कैसे मेजर करते हैं तो मीटर से मेजर करते हैं, वैसे द्रव्यमान या मास को कैसे मेजर करते हैं तो किलोग्राम से करते हैं। वैसे यदि अर्थव्यवस्था में भी किसी चीज का मेजरमेंट करना है हम लोगों को तो कुछ ना कुछ टूल्स का इस्तेमाल हमें करना जरूरी होगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इन्हीं टूल्स के ऊपर में है, जिसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन टूल या राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। और इसके अंतर्गत में हम लोग जो समझने वाले हैं वो है जीडीपी क्या होता है, दूसरा एनडीपी क्या होता है या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग किसे कहते हैं, तीसरा जीएनपी क्या होता है, चौथा ये एनएनपी क्या है, और इसी के बेस में हम लोग ये जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम से हम क्या समझते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए देखते हैं ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज का मापन किया जाता है तो उसके लिए हमेशा हम लोग वित्तीय वर्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले एक वित्तीय वर्ष में, देखो अर्थव्यवस्था में जब भी किसी भी चीजों का हम लोग को मापन करना है तो उसके लिए वित्तीय
वर्ष शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, या एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, मैंने क्या बोला, एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में उत्पादित उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, जीडीपी कहलाता है। मतलब अगेन इसको अगर एक बार में डिफाइन करें तो कैसा होगा, एक वित्तीय वर्ष में निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष, जैसे अगर बात करें तो एक वित्तीय वर्ष सरकार का, जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है जो चालू होता है वो कब से होता है, तो ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। कहने का मतलब यदि भारत की मैं बात करूं तो कौन सी सीमा होगी, भारतीय सीमा के अंतर्गत, ठीक है। यदि भारत की जीडीपी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय सीमा के अंतर्गत। और सीमाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्थल सीमा, जल सीमा और वायु सीमा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष में, जैसे वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2023 चल रहे हैं, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ये क्या होगा, वित्तीय वर्ष। मतलब कहने का मतलब हम लोग किसमें चल रहे हैं अभी, 2023-24 में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2023-24 की भी जब हम लोग बात करते हैं तो कब से ये वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, मतलब यदि भारत की बात करें तो भारतीय सीमा के अंतर्गत, और हमारी सीमा कितनी है, स्थल सीमा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। वही हमारे जलीय सीमा की जो भाग है वो लगभग 200 नॉटिकल मील तक का है, ठीक है। वैसे यदि वायु सीमा की हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी उसके तहत 100 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग जो है वो स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर मतलब स्पेस में किसी का अधिकार नहीं है, ठीक बात है। तो उससे नीचे जितने भी पोर्शन बसते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय भाग जो बसता है उस पर उस देश का अधिकार होता है। तभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि हमारी वायु सीमा में कोई दूसरे जहाज, दूसरे देश का जहाज यदि गुजरता है तो उसे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे सीमा से आप नहीं उड़ सकते। तो कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा, जब भारत की बात करेंगे तो भारतीय सीमा के अंतर्गत में क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, और किनका उत्पादन होना चाहिए, वस्तुओं एवं सेवाओं का, और वो कौन से मूल्य पर गणना करनी चाहिए, अंतिम मौद्रिक मूल्य पर गणना करनी चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहां पर यदि अब इसके हेडिंग को हम लोग समझे तो घरेलू सीमा के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। कहने का मतलब यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन कहां हो रहा है, जैसे भारतीय सीमा के अंदर में हो रहा है तो भारत की जीडीपी बोलेंगे, यदि अमेरिका के सीमा के अंदर में हो रहा है तो उसको अमेरिकन जीडीपी बोलेंगे। तो मैटर यहां पर क्या करता है कि कौन से क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये चाहे उत्पादन भारतीयों के द्वारा हो, चाहे उत्पादन भारतीयों के द्वारा हो, चाहे विदेशी व्यक्ति के द्वारा हो, ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन उत्पादन ध्यान में रखना चाहे भारतीय करे चाहे विदेशी करे, लेकिन होना कहां चाहिए, किसी निश्चित एरिया में होना चाहिए। और यदि भारत की बात करते हैं तो कहां पे होना चाहिए, भारतीय सीमा के अंतर्गत में होना चाहिए। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो जस्टिन बीबर जो है वो भारत पहुंचता है और अपना कॉन्सर्ट का आयोजन करता है, ठीक है। जस्टिन बीबर भारत पहुंचता है, वहां पर कॉन्सर्ट का आयोजन होता है, तो उसे भारतीय जीडीपी के अंतर्गत है, क्योंकि देखो कॉन्सर्ट का आयोजन करना मतलब एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेवा दे रहा है किनको, भारतीयों के लिए, भारतीयों को,
ठीक बात है कि नहीं। ये सेवा कहां दे रहा है, भारत के अंदर में दे रहा है, मतलब उसको कहां पर इंक्लूड करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा भारतीय जीडीपी के अंदर में करेंगे, क्योंकि सेवा का निर्माण कहां पे हुआ, भारत के अंदर में हुआ। वही यदि ए आर रहमान साहब जो है विदेशों में जाते हैं, वहां उनका कॉन्सर्ट का आयोजन होता है, तो ध्यान में रखिएगा उनको भारतीय जीडीपी में, ठीक है ना, ऐड ना करते हुए जिस देश वो गए हैं उनके जीडीपी में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। कहने का मतलब यहां पर मैटर क्या करता है दोस्तों, कि ये जो उत्पादन है, चाहे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो या सेवाओं का उत्पादन हुआ हो रहा हो, वो उसका उत्पादन कहां पे होना चाहिए, देश के सीमा के अंतर्गत में है या एक निश्चित टेरिटरी के अंदर में। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसका फाइनल वैल्यू क्या कहलाता है दोस्तों, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ध्यान में रखिएगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इन अ फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज जीडीपी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत के अंदर में, ठीक है, 100 नागरिक हैं, ठीक, यदि 100 लोगों ने मिलकर 100 वस्तुओं का उत्पादन किया और उसका मूल्य 1-1 रुपया है, तो इस, ठीक है ना, देश की जीडीपी या भारत की जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपया होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, नागरिक कितने हैं, 100, और कितने, 100 लोग मिलकर कितनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, 100 वस्तुओं का उत्पादन, और उसका मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो इस देश की जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपया। ठीक है, वही हमारा सबसे निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान में भी 100 नागरिक है सपोज करो, लेकिन उनमें से 50 जो है वो बेरोजगार है और 50 लोगों ने मिलकर 1-1 वस्तुओं का उत्पादन किया जिसका मूल्य 1-1 रुपया है, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी, 50 रुपया। कहने का मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा देश के लोग या देश की सीमा के अंतर में उत्पादन होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा जो है, ठीक है ना, उतना ज्यादा से ज्यादा जो है उस देश की जीडीपी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। कहने का मतलब यदि बात करते हैं जब भारत की, तो भारत को बोलते हैं हम लोग ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब हम प्रोडक्शन के मामले में, हम हमारे देश या हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत में यदि प्रोडक्शन की बात करो, तो हम लोग वो 5th लार्जेस्ट नेशन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने प्रोडक्शन क्या किया है, सबसे ज्यादा किया, ये हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। और ध्यान में रखिएगा ये प्रोडक्शन करने वाला कौन है दोस्तों, देश के अंदर में रहने वाले लोग। और यदि देश के अंदर में रहने वाले लोग ज्यादा सक्षम होंगे, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होगी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज्यादा अच्छा होगा और अल्टीमेटली देश की जीडीपी क्या होती जाएगी दोस्तों, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब वापस से अब पहले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी भी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो चलिए दूसरे टूल्स को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हुआ किसकी बात, जीडीपी की बात, वही हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा समझते हैं एनडीपी किसे कहते हैं या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम क्या समझते हैं। चलिए, तो एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद है क्या। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि शब्दों को पकड़िए, ठीक है, यहां पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो कहने का मतलब क्या पहले वाला अशुद्ध था क्या, कुछ ना कुछ तो उसमें इंप्योरिटी रही होगी और इसी के कारण हम लोग को नया चीज यहां पर निकालना पड़ रहा है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या इंप्योरिटी थी और कैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है उस इंप्योरिटी को दूर करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज का मापन करना है तो कब तक के लिए करना है, 1 फाइनेंशियल ईयर या 1 वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा 1 वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये रही किसकी परिभाषा, जीडीपी की परिभाषा। देखिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस कैपिटल
कैपिटल डेप्रिसिएशन और पूंजीगत ह्रास, ठीक है ना, पूंजीगत ह्रास। तो कहने का मतलब जीडीपी से यदि इस पूंजीगत ह्रास या कैपिटल डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाए तो क्या मिलने वाला है अपने को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, जिसमें परिभाषा क्या होगी, जिसमें पूंजीगत ह्रास की राशि क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये पूंजीगत ह्रास की राशि घटाते क्यों है इसको हम लोग देखेंगे। मैंने क्या बोला, जीडीपी का सीधा मतलब क्या होता है, जीडीपी का सीधा मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका पैसे में, ठीक है ना, पैसे में वैल्यू जो है वो क्या कहलाने वाली है, जीडीपी कहलाने वाली। ये चीज समझे थे, तो ध्यान में रखना। देखो प्रोडक्शन दो प्रकार के वस्तुओं का होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का वस्तुओं का होता है दोस्तों, दो प्रकार के वस्तुओं का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड, या जिसको बोला जाता है उपभोगकारी वस्तुएं, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, जिसे बोलते हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा, पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है ना। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक जो है वो कंज्यूमेबल गुड होती है जिसको उपभोगकारी वस्तुएं बोलते हैं, और दूसरा होती है कैपिटल गुड। चलिए समझते हैं, ठीक है, मैं ये दोनों को क्यों लिखा। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, कंज्यूमेबल गुड या उपभोगकारी वस्तुएं, तो ध्यान में रखिएगा वे वस्तुएं, ठीक है, जो वे वस्तुएं जो अर्थव्यवस्था के, ध्यान में रखिएगा, जो अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह से एक वित्तीय वर्ष में बाहर हो जाती है। तो वे वस्तुएं जो अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह से एक वित्तीय वर्ष में बाहर हो जाती है। अब ये एक वित्तीय वर्ष में और सक्रिय प्रवाह होता क्या है, ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं एक मार्कर लेकर आया, ठीक है भाई, देखो कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो उतने ही वस्तुओं का निर्माण करेगा जितनी लोगों को क्या है, जरूरत है। अगर वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और एक समय के बाद में क्या देख रहे हैं दोस्तों, वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, और उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में उतने ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जितना लोगों को जरूरत हो, ठीक बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष में हम लोग उतने ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जितनी लोगों को जरूरत है, यदि ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं लोगों के कंजम्पशन के लिए ही बनाई गई है। कहने का मतलब, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक टमाटो केचप यदि हम लोग बनाते हैं तो कितने की संख्या में बनाएंगे, जितनी लोगों को क्या है, जरूरत है। यदि मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वो एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तुओं का या कंज्यूमेबल गुड वो गुड होते हैं जो ये मान के चलते हैं हम लोग कि उस एक वित्तीय वर्ष में वो जनता के द्वारा जो है कंज्यूम करके क्या कर ली गई है, खत्म कर ली गई है, जिसका अब कोई अस्तित्व जो है अर्थव्यवस्था या एक्टिव इकोनॉमी में बचा नहीं है। ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड बोल रहे। दूसरा जो होता है कैपिटल गुड्स, वे वस्तुएं जो एक वित्तीय वर्ष के बाद भी अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह पर बनी होती है या बनी रहती है, तथा जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी करती है। कहने का मतलब जैसे मशीन,
मशीन जो है एक वित्तीय वर्ष के बाद भी अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह पर बनी होती है, ठीक बात है, ठीक है, और अपनी सेवाएं देती रहती है, जबकि यहां पर जितने भी वस्तुएं हैं कंज्यूमेबल गुड वो उसी उद्देश्य से बनाए गए रहते हैं कि उस साल उस वित्तीय वर्ष में उसको कंज्यूम करके क्या कर लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जीडीपी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसको हम लोगों को इकोनॉमी में काउंट करना है। जैसे मान लो कि 100 जूस का बॉटल का प्रोडक्शन हुआ और जिसकी कीमत 100 रुपी प्रति बॉटल, ठीक है, और उस वित्तीय वर्ष में एक जूस के मशीन का भी प्रोडक्शन हुआ जिसकी कीमत थी 10,000, ठीक बात है कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा जीडीपी में क्या ऐड करेंगे, 100 × 100 मतलब कितना हुआ 10,000, और उस वित्तीय वर्ष में एक और वस्तु का निर्माण हुआ एक मशीन का जिसकी कीमत क्या थी 10,000, तो मतलब उस वित्तीय वर्ष में देश में कितने रुपए के वस्तुओं का निर्माण हुआ, 20,000 का निर्माण, ठीक बात है कि नहीं। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जब 100 जूस के बोतल बने होंगे तो कोई ना कोई जो मशीन है, ठीक है, इस जूस के बोतल को बनाने के लिए काम में आया होगा, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों जैसे ही वो मशीन काम करना चालू किया होगा तो कुछ ना कुछ, ठीक है ना, उसके मूल्य में, उस मशीन के मूल्य में क्या आई होगी, कमी आई होगी, उस मशीन के मूल्य में घिसावट हुआ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, चलो सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि भैया एक मशीन जो है वो साल में केवल 100 जूस के बोतल को बना पा रही थी, लेकिन उस इकोनॉमी में 200 जूस के बोतल की जरूरत थी, लेकिन चूंकि हमारे पास मशीन नहीं थी केवल 100 वस्तुओं का ही उत्पादन यहाँ पर किया जा सक रहा था जिसका मूल्य कितना था 100 रुपए। मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि हम उतने ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जितने में जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जरूरत ज्यादा की है, ठीक है, लेकिन वस्तुएं कम बन रही है, तो इसी के कारण उस वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए के मूल्य के जूस का बोतल का निर्माण हुआ। अब जैसे ही जूस के मशीन का निर्माण हुआ, अब ये जैसे ही जूस का मशीन बना होगा वो उसी वित्तीय वर्ष में 100 जूस के बोतल को और भी बना दिया, ठीक बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब जैसे ही ये मशीन बना, ये चलना चालू हुआ और 100 बोतल का प्रोडक्शन किया, 100 जूस के बोतल का प्रोडक्शन किया, और जब ये प्रोडक्शन कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसके कलपुर्जे घिसे होंगे और जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आई होगी। तो जब जीडीपी की हम लोग गणना करते हैं तो वो मूल्य में कमी के स्वरूप जो हानि हो रही है उसको हम लोग हटाते नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, 10,000 ये 100 जूस के बोतल का उसी वित्तीय वर्ष में बना था, इस मशीन का प्राइस 10,000 उसी वित्तीय वर्ष में बना था, ये आगे जब ये जूस की मशीन बनी तो नेक्स्ट जो 6 महीना 8 महीने में ये मशीन काम किया होगा जिसमें 100 जूस के बोतल का और निर्माण किया इसने, टोटल कितने रुपए के वस्तुओं का निर्माण हुआ, 30,000। तो ये क्या कहलाया, जीडीपी। लेकिन यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है, यहां पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इस जूस के बोतल को बनाने के लिए जब मशीन चला होगा तो उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आई होगी और उस कमी को हम लोग यहां पर हटाते नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना जब जब हम लोग एनडीपी की गणना करते हैं तो उस कमी को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, घाटा है, जबकि जीडीपी में हम लोग केवल वस्तुओं की गणना करते हैं, ठीक है, मशीन में, ठीक है, जो भी घिसावट हो रहा है, जो भी टूट फूट हो रहा है उसको हम लोग वहां पर से हटाते नहीं, तो जिसके कारण वो अशुद्ध डेटा हम लोगों को दिया करता है। ध्यान में रखिएगा यहां पर दो मशीन काम कर रही है, यहां पर दो मशीन जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये हमारे देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किसी भी मशीन की जो उम्र है वो क्या होगी। जैसे सपोज कर लो ये जूस के मशीन का उम्र जो है वो 10 साल निर्धारित किया गया, ठीक है, उस मशीन का कीमत कितना था 10,000, मतलब 10 साल के बाद में ये अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह से बाहर हो जाएगी। 10 साल उस मशीन के एज का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री, मतलब यदि वो मशीन चलती है तो हर साल 1,000-1,000 रुपये उसके मूल्य में क्या आएगा, कमी आएगा, और 10 सालों में वो उसका मूल्य जो है वो टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो अर्थव्यवस्था के सक्रिय प्रवाह से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब मशीन के चलने से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 1,000
का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 1,000 रुपया जो है उसके मूल्य में कमी आ जा रही है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उस कंपनी वाले के लिए क्या है, घाटा है। यहाँ पर दो मशीन चल रही है, मतलब कितना रुपया हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, 2,000, तो मिलेगा कितना अपने को, 28,000। तो तब तक हम लोग मशीन के मूल्य को घटाते रहेंगे जब तक उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती दोस्तों, जीरो नहीं हो जाती। तो वापस से आते हैं हम लोग, व्हाट इज एनडीपी, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जिसमें पूंजीगत राष्ट्रीय राशि या अचल संपत्ति का उपभोग मूल्य क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं जीएनपी। ये जीएनपी क्या होता है, व्हाट इज जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, या सकल राष्ट्रीय आय। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान में दीजिएगा, यहां पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और ध्यान में रखना, ठीक है, राष्ट्र कहने का मतलब इसको राज्य से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और किसी भी राज्य के कितने अंग होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, मेन कितने अंग होते हैं, 4। राज्य कहने का मतलब वहां की, ठीक है, जनसंख्या या वहां के नागरिक, ठीक है, राज्य के अंगों की बात कर रहा हूं, वहां की सरकार, वहां का क्षेत्र और वहां की संप्रभुता या सोवरेनिटी। तो क्या देख रहे हैं, राज्य के कितने अंग होते हैं, एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट, ठीक है, उसका एरिया या टेरिटरी, और दूसरा सोवरेनिटी, ठीक है ना। तो ये किसी भी राज्य के क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो यहां पर राष्ट्रीयता शब्द से हम लोग यहां पर किसी भी इंसान की राष्ट्रीयता कहने का मतलब वहां की नागरिकता से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यहां पर किन की बात की जाएगी दोस्तों, नागरिकों की बात की जाएगी। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज का मापन करना है तो उसको कितने समय के लिए करना है, एक वित्तीय वर्ष के लिए करना है। तो ध्यान में रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में या एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक, यहां पर किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के बजाय हम लोग, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नागरिकों के द्वारा शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय आय। तो जीडीपी में क्या था, एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर। अभी ये भौगोलिक सीमा, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा वाला कॉन्सेप्ट फट गया, उसके जगह में हम लोग क्या लेकर आए कि एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा उत्पादन। अब ये नागरिक हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये देश के बाहर रह रहे हो या देश के अंदर रह रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज ऐड करते हैं और क्या क्या चीज जो है यहां से एक्सक्लूड करते हैं। तो ध्यान में रखना, एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक। अब इसमें क्या चीजों को शामिल किया जाता है, पहला, ठीक है ना, पहला, वे सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, वहां काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद में जो पैसा है वो कहां भेज दे रहे हैं, भारत में भेज दे रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पैसे का फ्लो कहां हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। लेकिन तो कहने का मतलब वे सारे भारतीय जो कहां रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, ठीक है, वहां कार्य करते हैं, परंतु पैसे भारत भेज देते हैं, इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन वही कोई विदेशी जो भारत में रह रहा है, यहां काम कर रहा है और अपने देश में पैसा, ठीक है ना, अपने
देश पैसा भेज दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, विदेशी, वे सारे विदेशी जो भारत में, वे सारे विदेशी जो भारत में रहते हैं, यहां कार्य कर पैसे कमाते हैं परंतु पैसे अपने देश भेज देते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैटर ये करता है, ठीक है, कि पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। यदि ध्यान में रखिएगा, पैसे आ रहे हैं तो उसको ऐड किया जाता है, और पैसे यदि चले जा रहे हैं तो उसको क्या कर लिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। केवल इतना ही अपने को ध्यान में रखना है जब हम लोग किसकी बात करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्र के अंदर में कितने पैसे का फ्लो हो रहा है, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, और क्या क्या चीज ऐड करते हैं और क्या क्या चीज हटाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करो दूसरा, ठीक है, मैंने क्या बात किया, इंपोर्ट की बात किया, या किसकी बात किया, आयात। यदि वस्तुओं का आयात करेंगे तो उसको ऐड करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आयात करेंगे तो उसको जीएनपी में ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग किसी वस्तुओं को आयात करते हैं तो उसके बदले में हम लोग को पैसा देना पड़ता है, और पैसा दे रहे हैं मतलब हमारा पैसे का फ्लो कहां हो रहा है, देश के बाहर में हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, सब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब उसको क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। वही हम लोग देख रहे हैं कि किसी वस्तुओं को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या निर्यात करते हैं या देश के बाहर भेजते हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐड, क्योंकि उसके बदले हमको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक बात है कि नहीं दोस्तों? तो यहां पर केवल आपको क्या ध्यान में रखना है कि पैसे जा रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं, वैसी, ठीक है, वैसे ही ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग बनाते हुए चलते हैं, वैसे ही यदि विदेशों से हमें कोई अनुदान मिला तो उसको ऐड करेंगे कि माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही हमने किसी दूसरे देश को दान दे दिया, उसी दूसरे देश को दान दे दिया तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सब्स्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो मैटर यहां पर ये करता है, ठीक, कि हम लोग, ठीक है, हम लोग पैसे ले रहे हैं, मतलब भारत में आ रहा है कि भारत से पैसा जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, जीएनपी। अगेन एक लास्ट टर्म हम लोग का बचा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी, ठीक, जो कि क्या होगा, जीएनपी माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन, पूंजीगत ह्रास। ठीक बात है कि नहीं? पूंजीगत ह्रास। तो जब जब एन शब्द आएगा तो उसके सामने आप कैपिटल डेप्रिसिएशन आप लोग लगा लेंगे, और इस कैपिटल डेप्रिसिएशन को मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया। ठीक है, तो देश में अल्टीमेटली कितना पैसा बचेगा, जैसे मान लो कि हम लोग विदेशों में, चौथा एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, मान लो हमने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, तो उधार लेकर जब निर्मला सीतारमण जी भारत में लौटेंगे वर्ल्ड बैंक से, भारत उधार लेता है, और उधार लेकर जब निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, भारत पहुंचेंगे तो उसको ऐड करेंगे कि माइनस, ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पैसे का फ्लो कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी पैसे लेने के लिए गई होंगी, मान लो कि 100 करोड़ वो भारत लेकर पहुंची, ठीक है ना, कितने करोड़ भारत लेकर पहुंची, 100 करोड़ वो भारत लेकर पहुंची, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक गई होंगी तो कुछ ना कुछ उनका खर्चा हुआ होगा, बहुत सारे डेलीगेट्स को लेकर गई होंगी यहां से, ठीक है, 2-3 करोड़ रुपया उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो वो खर्चा घाटा है कि नहीं घाटा, मतलब 100 करोड़ भारत में लाने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपया क्या कर दिया, फूंक दिया। तो कहने का मतलब उस घाटे को हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, माइनस कर लेना चाहिए, मतलब जितने भी धन जो है भारत में अभी वर्तमान में मौजूद है, भारतीयों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ जो घाटा होगा, ठीक है, उस घाटे को अपने को माइनस करना है, और वही जो पैसा है क्या कहलाएगा, एनएनपी, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्र के पास में कितना इनकम है, जितना एनएनपी का दोस्तों पैसा हो। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करते जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष जो है
2011-12, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो आधार वर्ष है कब का है, 2011-12, तो 2011-12 के मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। कौन से मूल्य पर दोस्तों? स्थिर मूल्य पर। नेक्स्ट आते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहले ये जो आंकड़े है CSO के द्वारा जारी किए जाते थे, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते थे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में CSO और NSSO क्या है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके NSO का गठन किया गया है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रीय आय के आकलन के आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। यहाँ दोस्तों किसके अंदर में जारी किए जाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ध्यान में रखिएगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो सबसे अच्छा संकेतक होता है वो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने क्या बोला कि राष्ट्र के पास में कितनी शक्ति है वो किससे पता चलेगी? नेशनल इनकम, जो कि ये बताता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने पैसे फ्लो कर रहे हैं। समस्त घटाओं के बाद पढ़े थे हम लोग, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट, ठीक बात है कि नहीं? तो इसको हम लोग पढ़े थे। तो नेशनल इनकम क्या शो करता है कि वर्तमान में देश के नागरिकों के द्वारा कितने पैसे का सृजन जो है उस वित्तीय वर्ष में किया गया, ठीक है। अब लोगों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, जैसे मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कुछ अलग हो रहा होगा। यहां पर हजारों लोग जो है, करोड़ों लोग जो है काम करने वाले हैं, किसी ने छोटी सी वस्तु बनाई और किसी ने पूरा एरोप्लेन बना दिया। तो कहने का मतलब, छोटी सी वस्तु को बनाने वाले का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो वो कम आय अर्जित करेगा, और जिस वस्तु मतलब जो बड़ी वस्तु बना रहा होगा उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में ज्यादा होगा, ठीक है, और वो व्यक्ति भी ज्यादा आय प्राप्त कर रहा होगा। जैसे कि अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनका अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और वही जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कम होता है, ठीक बात है कि नहीं? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, नेशनल इनकम जो है ये क्या बताता है कि पूरे देश के लोगों ने कितना मिलजुल कर कमाया, ठीक है कि नहीं? तो नेशनल इनकम जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक नहीं होगा। मैटर ये करता है कि उस देश के नागरिक जो है वो कितने सक्षम बने, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इसमें प्रति व्यक्ति कॉन्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, और यदि पर कैपिटा इनकम की वैल्यू ज्यादा शो होगी तो ये माना जाएगा कि वो देश जो है तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम जो संकेतक होता है वो कौन होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? वाई कैपिटल फॉर्मेशन डज नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट आउटपुट ग्रोथ डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी। इसको हमने पढ़ा है कि भारत में जो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब एक इकाई के उत्पादन में हम लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं, तो हम लोग एक वस्तु बनाने में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और वही जो है सामने वाला कोई ज्यादा विकसित देश है वो अपने मशीनरी का, अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम पैसे में ज्यादा यूनिट का क्या कर डाल रहा है दोस्तों? निर्माण कर डाल रहा है। तो हमारे यहां ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो चूंकि हाई है, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल भी दिया था, याद करो, ये जो मार्कर है, सपोज करो 10 रुपया में एक मार्कर बन रहा है, वही अमेरिका ने 10 रुपया में, ध्यान में रखिएगा, 3 मार्कर बना दिए, तो हमारा कैपिटल
आउटपुट रेशियो क्या था, ज्यादा था। हम लोग ज्यादा कैपिटल लगा के कम आउटपुट ले रहे हैं और ये कम कैपिटल लगा के ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं, तो उच्च बचत वाली या फिर क्या देख रहे हैं, ठीक है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी पूंजी निर्माण की जो अपनी दर है वो क्या है दोस्तों, कम। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय का मापन की तीन विधियां सुझाई है। कितनी विधियां? तीन विधियां, जिसमें ध्यान में रखिएगा पहली विधि जो है वो आय विधि या जिसको क्या बोला जाता है, इनकम मेथड, ठीक है। दूसरी व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरी जो है उत्पाद विधि या प्रोडक्ट मेथड। ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय आय के गणना करने हेतु तो साइमन कुजनेट्स ने कितनी विधियां दी है, तीन विधि। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी विधि नहीं है पूछा गया है, तो कौन सी विधि नहीं है, हाशमान लागत विधि जो है वो नहीं है राष्ट्रीय आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी भी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, मैंने यहां पर क्या शब्द यूज किया है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या होता है, नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला पढ़ते हैं, नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का कुल मूल्य। ग्रॉस वैल्यू को हम लोग नहीं लेते, अंतिम वैल्यू को लेते हैं। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। पढ़े थे दोस्तों, अभी मैंने आप लोग को इसको समझाया कि एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का कैसा मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। अब ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय आय क्या है, मैंने क्या बोला था, नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो नागरिकों ने कितना उत्पादन किया, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था में हम उतने ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जितना लोगों को जरूरत होती, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला में देखते हैं कि कितना लोगों को जरूरत। यहां पर एक खुली अर्थव्यवस्था, जहां खुली अर्थव्यवस्था किसको बोले थे, जहां आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, मतलब इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मैं अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, ठीक है। याद होगा राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला, यदि कोई भारतीय विदेशों में काम करता और हमारे देश में पैसा भेज देता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन वही कोई विदेशी व्यक्ति यहां से सामान भेज देता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। यदि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो माइनस होगा, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए देखते हैं नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। सी फॉर कंजम्पशन या उपभोग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट सरकारी खर्च, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कुल निर्यात और कुल आयात, मतलब नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग उतने ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जितनी अपने को जरूरत है। तो जितनी वस्तुएं होंगी वो कुछ कंज्यूम की जाएंगी जनता के द्वारा, कुछ होगी इन्वेस्टमेंट के रूप में, कुछ जो होगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के रूप में होंगी, और हम लोग क्या देखे कि एक्सपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, और इंपोर्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो परिभाषा मैंने आप लोग को सिखाई है उसी से ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कुछ नया टाइप का फॉर्मूला जो है आप लोग को देखने के लिए मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिफ्लेक्शन ऑफ। ध्यान में रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी ज्यादा लोगों की आय होगी उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो अपने जीवन में व्यतीत करेंगे, उस देश में व्यतीत करेंगे। तो जीवन स्तर जो है वो प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये थी, यह बताया था, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन
निष्कासन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ड्रेन। ठीक बात है कि नहीं? धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक बात है कि नहीं? तो प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया, ये सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि क्या होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, वो हमेशा फैक्ट फिगर पे बात करता है, साक्ष्यों पर, एविडेंसेस के ऊपर में बात करता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग मैथ्स में, ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, ठीक है, जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग। ये साइंस प्रूफ कर सकता है, ठीक है ना, ये साइंस क्या कर सकता है दोस्तों, प्रूफ कर सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब साइंस जो है वो हमेशा एविडेंस और साक्ष्यों के ऊपर में बात करता है। तो कहने का मतलब यदि, ठीक है, भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय के गणना की बात कही होगी, कहने का मतलब उसने बहुत सारे फैक्ट और एविडेंस के आधार पर यह प्रूव करने की कोशिश की होगी कि भाई इस फॉर्मूले के अनुसार देश के लोगों की जो राष्ट्रीय आय है वो ऐसी या इतनी होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वी के आर वी राव जी, ठीक है ना, वो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो वैज्ञानिक आधार पर निकालने वाले कौन थे, डॉक्टर वी के आर वी राव जी। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ हम लोग करंट की भी प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2022-23 में या वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की गई है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब बजट आया था, ठीक है, तो उस बजट के साथ में ही ये एक्सपेक्टेशन भी अपने को दिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कि इस साल जो है देश की जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो ध्यान में रखिएगा 6.5 से 7% के बीच जो है इस साल भारत की जीडीपी जो है अनुमानित की गई है। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे और यहां से अक्सर प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था, अर्थ सबसे पहले हम लोग देखे कि अर्थव्यवस्था है क्या, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का संचालन कैसे होता है, कौन से क्षेत्र को पर काम करते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में खुलापन क्या होता है, बंद क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहां पर स्टैंड होती है। अब हम लोग देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्था का मापन कैसे किया जाता है। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने अर्थव्यवस्था का साइज जब हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग उस साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके, तो कहने का मतलब किनका विकास हो सके, क्या सभी का विकास करना है। देखो, सर्वांगीण विकास तो होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास में सबसे पहले ऐसे वर्गों का विकास करना जरूरी होता है जो समाज में आर्थिक सामाजिक रूप से दोस्तों क्या किए हुए, पिछड़े हुए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले विकास करने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा वो ऐसे लोगों के ऊपर में रहेगा, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसे वंचित वर्ग हो गए या ऐसे आर्थिक सामाजिक तौर पर लोग जो है पिछड़े हो गए, ठीक है, उनको पहले पहचानना जरूरी होगा ताकि सरकार जो है वो उचित योजनाओं के माध्यम से उनका उत्थान कर सके। तो जो अगला टॉपिक रहेगा वो गरीबी पर बेस रहेगा और उसके बाद में हम लोग जाएंगे बेरोजगारी के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।